स्वागत है आपका इंडिया ने स्पोर्ट्स में। भारत और श्रीलंका वर्ल्ड कप के बाद यानी T20 वर्ल्ड कप के बाद सीरीज खेलने वाले हैं। सबसे पहले सीरीज की जानकारी आपको दे दूं, व्हाइट बॉल फॉर्मेट की यह सीरीज खेली जाएगी जिसमें 3 ODI और 3 T20 मुकाबले खेले जाएंगे और ये सीरीज होगा T20 वर्ल्ड कप के बाद यानी जुलाई में ये सीरीज खेली जाएगी भारतीय सरजमी पे, जो कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने सोशल मीडिया पे पोस्ट करके जानकारी दी है उनके क्या टूर होने वाले हैं। उसी में ये फैसला लिया गया है कि 3 ODI और 3 T20 मुकाबले खेले जाएंगे। भारतीय टीम के नजरिए से अगर देखें तो हो सकता है कि T20 के वर्ल्ड कप के बाद, जो कि टेन्योर भी एक तरीके से वहां पे कोच का भी खत्म हो जाएगा, कप्तानी भी शायद में आपको बदलाव नजर आए, तो यानी भारतीय परिप्रेक्ष्य से देखें तो सीरीज काफी अहम हो जाता है क्योंकि वहां पे भारत नए खिलाड़ियों के साथ नए यंगस्टर को मौका दिया जा सकता है। लाइक अगर रोहित शर्मा खेलते हैं, रविंद्र जडेजा वहां पे खेलते हैं, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ी खेलते हैं, तो वहां पे उन खिलाड़ियों को आराम दिया जा सकता है उस सीरीज में, तो ये आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर श्रीलंकन टीम की बात करें तो उस श्रीलंकन टीम को हम कहीं खोते हुए नजर आ रहे हैं जो श्रीलंकन टीम हुआ करती थी, क्योंकि अगर हाल फिलहाल के कुछ मुकाबलों की बात करें तो एशिया कप फाइनल उठा लीजिए, जहां पे पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम करती है, अच्छी स्कोर बनाती है, लेकिन 50 रनों पे समेट देती है श्रीलंकन टीम को और एक तरफा मुकाबला। वही जो मुकाबला वहां पे वर्ल्ड कप में हुआ वहां पे भी देखें तो श्रीलंकन टीम बिल्कुल नहीं चल पाई भारतीय गेंदबाजों के सामने, खासकर सिराज के सामने, जो कि एशिया कप फाइनल में भी और वर्ल्ड कप में भी हीरो रहे थे। तो कह सकते हैं कि पिछले हाल फिलहाल में कुछ मुकाबले बेहतर नहीं हुए हैं इन दोनों के बीच, यानी टक्कर का मुकाबला नहीं हुआ है, लेकिन उस सीरीज में कह सकते हैं कि यंगस्टर को मौके दिए जाएंगे। लाइक भारतीय टीम की तरफ से बहुत सारे युवा खिलाड़ी आपको नजर आ सकते हैं, श्रीलंकन टीम की तरफ से भी आपको नजर आ सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप में क्या स्थिति रही उनकी, क्या जीती हारी, उस हिसाब से ही एक तरीके से देखा जाएगा। अगर हारेगी तो उसके बाद जाहिर सी बात है बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे कप्तानी में, खिलाड़ियों में, लेकिन अगर जीतती भी है तो कुछ खिलाड़ियों को आराम दिया जाएगा और यंगस्टर को वहां पे मौके दिए जाएंगे। तो जाते जाते एक बार फिर बता दूं कि T20 वर्ल्ड कप के बाद 3 ODI और 3 T20 मैचों की श्रृंखला खेली जाएगी, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच खेली जाएगी। व्हाइट बॉल का पूरा फॉर्मेट होगा, ऐसा नहीं कि टेस्ट मैच मुकाबले खेले जाएंगे, सिर्फ व्हाइट बॉल यानी T20 और ODI मुकाबले खेले जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।